गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए अपने क्लास फोर्थ में लेसन 11 साइंस की जो एक्टिविटी हो गई थी, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें अपना क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। ठीक है, तो आंसर है इसका, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच क्यूज ए बॉडी टू स्टार्ट मूविंग और टू स्टॉप व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। तो आंसर लिखना अपने को, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट ग्रेविटी, सेकेंड फ्रिक्शन, थर्ड मस्कुलर फोर्स और फोर्थ है मैकेनिकल फोर्स। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो आंसर है इसका, लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लिनड प्लेन, वेज, स्क्रे, इटीसी। ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज एनर्जी। तो अपने को लिखना है आंसर है इसका, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। व्हेन ए वर्क इज डन, एनर्जी इज यूज्ड। एवरीथिंग That works of moves need some kind of energy. Last question is lesson का question 5, what is solar energy? How is it useful to us? Answer is solar energy. The energy obtained from the sun is called solar energy. Sun is the ultimate source of energy on our planet Earth. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, वी यूज दिस एनर्जी इन सोलर कुकर, सोलर हीटर, ईटीसी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये लेसन 11 कंप्लीट होता है। तो अपनी फेयर कॉपी में ये नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।